सोलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो फाइनली काफ़ी लंबे समय के बाद हमारे पोको एक्स टू के लिए पैलेडियम ओएस का एक और अपडेट आ चुका है। और ये रोम जब आया था लास्ट टाइम 1.2 वाला अपडेट, तो काफ़ी मैंने यूज़ करा इस रोम को। कोरवस वर्जन 15 के साथ आया था। काफ़ी अच्छा रोम है ये, काफ़ी ब्यूटीफुल रोम है। मैंने इसको काफ़ी यूज़ करा है और फाइनली एक और अपडेट निकल के आ चुका है इसका, वर्जन 1.4 का। आप देख सकते हो अबाउट फोन में, मैं आपको दिखा देता हूँ। पैलेडियम ओएस वर्जन 1.4 एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है और अगस्त का इसमें आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। बात करें इंटरफेस की, तो इंटरफेस काफ़ी ब्यूटीफुल है इस रोम का। और स्मूथनेस के मामले में भाई ये रोम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ रोम है। ऐप ओपनिंग स्पीड आप देख सकते हो कितना स्मूथली ओपन हो रहा है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस रोम की स्मूथनेस और ऐप ओपनिंग काफ़ी अच्छी है। तो आपको ये रोम यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, मैं सारे फीचर्स, सारे इंस्टॉलेशन, क्या कुछ बग्स हैं, सारे फीचर्स के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। तो सिस्टम सेटिंग में आपको पोको पार्ट्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको पोको साउंड इनहेंसर, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं बेसिक वाले। बात करें डिस्प्ले सेटिंग में, तो आपको इसमें सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आपको कुछ नए क्लॉक्स ऐड किए गए हैं, मैं उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको इसमें मिल जाता है एम्बिएंट डिस्प्ले का व्यू ऑप्शन। आपको इसमें डिवाइस स्पेसिफिक सेटिंग में रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको ब्लर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जिसको भी भाई क्यूएस पैनल में ब्लर चाहिए, तो ब्लर का भी इसमें ऑप्शन मिल जाता है, आराम से यूज़ कर सकते हो। बात करें बैटरी सेटिंग्स की, तो इसमें आपको काफ़ी एडवांस फीचर मिल जाते हैं। स्मार्ट कट ऑफ और स्मार्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको जरूर से ट्राई करना, काफ़ी अच्छा फीचर इसमें मिलता है। पैलेडियम ओएस की सबसे खास फीचर की बात करें, जो कि है एटॉमिक हब, जिसमें कि आपको पैलेडियम ओएस के सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। आप देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छे से टैब बनाकर दिए हुए हैं सारे कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन। देख सकते हो कितना अच्छा एनिमेशन है। और इसमें आपको भर भर के बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बात करें यूआई सेटिंग में, तो देख सकते हो आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। एम्बिएंट डिस्प्ले मिल जाता है आपको, आपको म्यूजिक विजुअलाइजर में मिल जाता है। सिस्टम सेटिंग में आपके सारे जेस्चर्स मिल जाते हैं, थ्री फिंगर, आपका नेविगेशन जेस्चर, बटन सेटिंग, ये सारे आपको मिल जाते हैं। इसमें प्रॉपरली काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। साथ ही साथ इसमें आपको क्विक टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, तो जब भी आपका फ़ोन लॉक हो और आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपका टॉर्च जल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको लॉक स्क्रीन पे डबल टैप टू स्लिप का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्टेटस बार पे डबल टैप टू स्लिप का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो भाई जिनको भी डबल टैप टू चाहिए तो वो इसमें काम कर रहा है। बात करें थीम में, तो इसमें आपको डार्क थीम मिल जाता है। साथ ही साथ आपको स्विच स्टाइल भी काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। वॉल्यूम पैनल्स भी इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं, आपको सेफ शिफ्ट का, ऑक्सीजन ओएस का, प्रोजेक्ट 404 का। एक्सेंट कलर के साथ साथ इसमें आपको बहुत सारे क्लॉक फेसेस भी मिल जाते हैं, आपको काफ़ी सारे क्लॉक फेसेस मिल जाते हैं, जो कि पहले और भी रोम्स में देखने को मिल चुके हैं, पर इसमें आपको दो नए क्लॉक फेसेस देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका सेफ शिफ्ट का क्लॉक, देख सकते हो आप स्क्रीन पर, इसको इस प्रकार का है। साथ ही साथ एक पैलेडियम ओएस का एक नया क्लॉक भी ऐड किया गया है, जो कि हमको मोटो का जो विडजेट आता है, जो विडजेट आता है होम स्क्रीन वाला, उसका याद दिलाता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ इसका आवर वाला, इसमें आवर वाला डिजिट है वो की वॉलपेपर के हिसाब से चेंज होते रहता है। बाकी इसमें आपको बहुत सारे और भी मिल जाते हैं क्लॉक फेसेस। साथ ही साथ इसमें आपको फॉन्ट्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। बाकी सारे बेसिक फीचर्स इसमें आपको भर भर के मिल जाते हैं। आइकन शेप, आइकन स्टेटस बार का कैसे रखते हैं, जी विजुअल मोड्स में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देख सकते हो अगर आप इसको लार्ज रखोगे तो आपको वॉल्यूम पैनल जो है वो थोड़ा राउंडेड मिलेगा, और इसको आप अगर डिफॉल्ट पे रखते हो तो थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा। तो क्यूए स्टाइल शेप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको जैसे रखना है स्टाइल में वैसे रख सकते हो। ऑक्सीजन ओएस वाला भी इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें कुकी वाला भी मिल जाता है, जो कि मैं आजकल काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसका भी ऑप्शन मिल जाता है, आराम से यूज़ कर सकते हो। बात करें स्टेटस बार वाले कस्टमाइजेशन ऑप्शन की, तो देख सकते हो इसमें भी आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिल जाते हैं। बैटरी आपको कैसा रखना है, साथ ही साथ ट्रैफिक इंडिकेटर, डिस्प्ले कटआउट आपको इसमें मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको पुराने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मोबाइल डाटा आइकॉन, रिटिकर भी मिल जाता है इसमें आपको। साथ ही साथ इसमें आपको क्लॉक एंड डेट स्टाइल भी रख सकते हो। आपको ये सारे जो फीचर्स हैं आपको और सब भी रोम्स में मिल जाते हैं, तो इसमें भी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें टिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो काफ़ी रोम्स में मिसिंग होता है, और इसमें आपको टिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ इस फीचर को। साथ ही साथ नेविगेशन बार, ट्यूनर, डेली डाटा यूसेज, ये सब आपको मिल जाता है, इससे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बात करें बटन्स वाले कस्टमाइजेशन ऑप्शन की, तो इसमें आपको वॉल्यूम स्टेप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको कितने स्टेप्स में वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करना है, ये काफ़ी रोम्स में मिसिंग होता है आजकल, पर इस रोम में आपको मिलता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। मैं म्यूज़िक के लिए यूज़ करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे और भी कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे मिल जाते हैं। आपको इसमें वॉल्यूम पैनल लेफ्ट में या राइट में रखना है, उसका भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। बात करें मिसलेनियस में, तो आपको इसमें एडवांस रिबूट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और आपको एडवांस रिबूट मतलब पावर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए आपको वो भी मिल जाता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो।
एक और काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है इसमें स्मार्ट पिक्सल का। जब आप इसको ऑन करोगे तो आपका डिस्प्ले का कुछ फिक्सेस बंद हो जाएंगे, जिससे कि आपको बैटरी सेविंग होगी। तो हाँ, आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको भी यूज कर सकते हो। आपको इसमें गेमिंग मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको ऑन करोगे तो आपको अगर नोटिफिकेशन आते हैं गेमिंग के टाइम तो नहीं आएंगे। बाकी इसमें काफ़ी सारे भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं, तो आप जब ये रोम इंस्टॉल करना, चेकआउट करना, काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन दे रखे हैं। डार्क मोड में ये रोम काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, तो भाई आपको इस रोम को जरूर से ट्राई करना चाहिए। काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत रोम है। स्टेटस बार में आपको रिफ्रेश रेट चेंज करने का ऑप्शन, FPS मीटर का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप इसको चेंज कर सकते हो आराम से। साथ ही साथ इसमें पोको साउंड एनहेंसर भी मिल जाता है, वॉल्यूम पैनल, स्टीरियो साउंड, काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। और साथ ही साथ बाय डिफ़ॉल्ट इस रूम में आपको गूगल का अनलिमिटेड फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, तो जब भी आप गूगल ऐप को अपडेट करोगे, गूगल फोटोज़ वाले ऐप को, तो इसमें आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाएगा। बात करें कैमरे की, तो इस रोम में आपको बाय डिफ़ॉल्ट NX कैमरा का लेटेस्ट 192 वाला वर्जन मिल जाता है, जिसके सारे फीचर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो भाई ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बात करें रोम की कुछ और डिटेल्स की, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ फटाफट से टेलीग्राम पोस्ट पे इस रोम के। देख सकते हो पैलेडियम OS का वर्जन 1.4 है, आप इसके डेवलपर देख सकते हो चिरू सर है अपने। और साथ ही साथ बात करें रोम की चेंज लॉक्स की, तो ये 1.4 वाले अपडेट में काफ़ी सारे चेंजेस है। डिवाइस चेंज लॉक आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार है, बाकी सोर्स चेंज लॉक भी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हो कुछ इस प्रकार से। रोम का डाउनलोड लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करोगे तो आप लिंक के इस पेज पे पहुंच जाओगे। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आप फाइल्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको दिखेगा पैलेडियम 1.4 का, आपको उस पर क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करते के साथ ही पैलेडियम OS के आप ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाओगे। आपको उसमें बहुत सारे डिवाइसेस के लिस्ट मिल जाएंगे जिनके लिए ये रोम अवेलेबल है, तो आपको अपने फ़ोन जो कि है फीनिक्स, हमारा जो मॉडल नंबर है अपने पोको X2 का, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको IDM या ADM का यूज़ करना है इस रोम को डाउनलोड करने के लिए, फिर आपको पैलेडियम 1.4 पे क्लिक कर देना है, आपका डाउनलोड फटाफट से स्टार्ट हो जाएगा। बात करें कौन कौन सी फाइल्स लगने वाली है इंस्टॉलेशन में इस रोम के, तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने फाइल मैनेजर में लेकर चलता हूँ और दिखा देता हूँ कौन कौन से फाइल्स लगेंगे। सबसे पहले तो आपको लगेगा एक रोम फाइल जो कि पैलेडियम का 1.4 वर्जन, साइज देख सकते हो 1.71 GB। दूसरी फाइल जो आपको चाहिए वो चाहिए फर्मवेयर जो कि वाइडवाइन L1 के लिए चाहिए। अगर आप नेटफ्लिक्स या अमेजन यूज़ नहीं करते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ जो तीसरी फाइल चाहिए वो है Error1 का zip फाइल। अगर आपको बाई चांस Error1 आता है तो आप रोम के पहले ये फ्लैश कर लो, उसके बाद रोम फ्लैश कर लो, आपका कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको अपने इंटरनल का बैकअप ले लेना है, और सारे फाइल्स को SD कार्ड में रखने के बाद आपको रिकवरी में रिबूट करना है। तो रिकवरी में बूट होने के बाद आपको फटाफट से जाना है वाइप पे, आपको सेलेक्ट करना है डेलविक डाटा और कैच स्वाइप टू वाइप कर देना है। मैं वाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये रोम ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे कर लेना, आपको ऐसे कर लेना है। फिर आपको जाना है फाइल्स पे, आपने जहाँ पे भी मेमोरी कार्ड में अपने फाइल्स को रखा है रोम फाइल्स को, वहाँ पे जाना है। और सबसे पहले तो आपको फर्मवेयर फ्लैश करना है। आपको अगर वाइडवाइन L1 चाहिए तो आप इसको फ्लैश कर सकते हो, आपको वाइडवाइन L1 नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। फिर आपको बैक जाना है, आपको रोम फाइल पे क्लिक करना है, स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। रोम फाइल फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आपको वेट कर लेना है। अगर आपको बाई चांस Error1 आता है तो आपको क्या करना है, आपको Error1 वाला zip फ्लैश कर लेना है, उसके बाद आपको रोम फाइल फ्लैश कर लेना है, आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको वाइप पे जाना है, आपको फॉर्मेट पे जाना है और आपको यस लिखना है और इस ऑरेंज वाले आइकन पे क्लिक कर देना, आपका रोम फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम कर लेना है। तो गाइज़ ये था पैलेडियम OS 1.4 का रिव्यू, फुल इंस्टॉलेशन एंड रिव्यू अपने पोको X2 के लिए। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है ये रोम को इंस्टॉल करने में तो आप कमेंट करके जरूर से पूछ लेना। साथ ही साथ अगर आपको भी पोको X2 से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखने हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और ये घंटा भी दबा लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर लूँ आपको मैसेज आ जाए। बात करें कुछ क्वेश्चंस की, तो भाई इस रोम में फास्ट चार्जिंग मिल जाता है आपको, इसमें स्मार्ट चार्जिंग भी मिल जाता है, बैटरी बैकअप इस रोम में आपको अच्छा खासा मिल जाता है, आपको ठीक ठाक बैटरी बैकअप मिल जाएगा। साथ ही साथ इस रोम में आपको गेमिंग करना है तो भाई आपको इस रूम में ठीक ठाक गेमिंग हो जाएगी, नॉर्मल गेमिंग के हिसाब से ये रूम काफ़ी अच्छा है। आप एक नॉर्मल यूजर हो, डेली टाइप के लिए रूम काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। बस इतना ही था गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।